हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल पावर लर्निंग। सो खुशामदीद करता हूँ आप सबकी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डीप सी 70 MK2 कंट्रोलर के बारे में। ये मैनुअल एंड ऑटो स्टार्ट कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक, मतलब सिंगल जेनसेट एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, मैनुअल और ऑटो स्टार्ट मोड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस वक्त मॉड्यूल आपके सामने है, ठीक है। ये इसकी फ्रंट पैनल है, इस पे एक की लगी हुई है और इसके ऊपर ये आपके 2, 4, 6 इंडिकेशन लैंप हैं इसके ऊपर। और इसकी वायरिंग मैं आपको बताऊंगा पूरी, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके बैक साइड के कनेक्शन हैं, जिसमें टोटल 11 टर्मिनल हैं। तो ये बहुत ही बेसिक और इजी कंट्रोलर है। आप इसको छोटे जनरेटर पे लगा सकते हैं, 10 kVA से लेके 30-40 kVA तक सिंगल फेज के। ये 3 फेज कंट्रोलर नहीं है, सिंगल फेज कंट्रोलर है। तो इस पर आप सिंगल फेज का जनरेटर आराम से चला सकते हैं। 3 फेज के जनरेटर भी आप लगा सकते हैं इसको, उसकी सिंगल फेज सेंसिंग करा के, ठीक है। तो लेकिन ये प्रोडक्शन आपकी सिंगल फेज की ही करेगा। तो इसको ज़रा घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और ये देख लें, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, इसकी ड्राइंग। तो इसकी ड्राइंग कुछ इस तरह है, इसकी ड्राइंग इसका मैनुअल खुला हुआ मेरे पास, तो मैं आपको इसकी ड्राइंग दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि एक हमारे दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसमें 11 टर्मिनल्स हैं, 9 एक साइड पे हैं, 2 एक साइड पे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर स्विच, ठीक है। अगर आप 50-60 हर्ट्स पे चलाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जिसकी पोजिशन आपने चेंज करनी है। ये देख सकते हैं आप, ये स्विच है। अगर 50 करना है तो राइट हैंड पे कर देंगे, और 60 करना है तो लेफ्ट हैंड पे कर देंगे आप इसको, ठीक है। उसके बाद ये टर्मिनल कनेक्शन बताया मैं, और ये इसकी जी ड्राइंग है, ठीक है दोस्तों। तो चलें चलते हैं वन बाय वन, हम इसकी ड्राइंग देखते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास पावर सप्लाई क्या है। ये देखिए, ये हमारे पास बैटरी है इधर, ठीक है। ये हमारी पावर सप्लाई है, आप देख सकते हो इसे। ये देखें, ये बैटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो बैटरी के बाद, बैटरी से हमारी दो चीज़ें हैं। ये हमारी बैटरी का नेगेटिव जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ऊपर ये पॉजिटिव जा रहा है फ्यूज़ के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से फ्यूज़ के अंदर से जा रहा है ये, ठीक है। तो इस फ्यूज़ के अंदर से जाके ये देखें, ये सीधा जो है ना आपका इधर टर्मिनल 2 में जा रहा है, और ये टर्मिनल 2 हमारा पॉजिटिव है। और ये देखें, ये बता रहा है कि इधर ये बैटरी की सप्लाई लगी हुई है, ठीक है। और नेगेटिव जो है बैटरी का, ये देखें, यहाँ से लगा इधर। और बैटरी का नेगेटिव सबसे पहले करना हमने ग्राउंड, ठीक है, बॉडी के साथ, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे नंबर 1 पे लगाना है बैटरी नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, ये आ गया हमारा बैटरी नेगेटिव, ठीक है। ये तो हमारी पावर सप्लाई लग गई, 2 एम्पेयर का हमने फ्यूज लगाना है इसके दरम्यान में। ये हो गई हमारी बैटरी इसकी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हम अब दूसरी देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। अच्छा, आगे हमारे पास है ये नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 पे लिखा हुआ है फ्यूल, ठीक है। ये देख लें, ये फ्यूल लिखा हुआ है। तो इससे हमारा फ्यूल कंट्रोल वाल्व जो होता है ना, हम उसके लिए लगाएंगे एक रिले, ठीक है, और रिले के अंदर देंगे सप्लाई, ठीक है। अच्छा, एक याद रखने की बात जो है, ये देखें, यहाँ से इन्होंने ये पॉजिटिव सप्लाई जो है ना, तीनों रिलेस के अंदर कॉमन कर दी है, ठीक है। दूसरे डीप सी के जो कंट्रोलर आते हैं ना, वो पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, लेकिन ये जो बेसिक कंट्रोलर है ना, ये नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि हमने पॉजिटिव रिले की कॉइल में डायरेक्ट लगाना है, और नेगेटिव जो है वो हमने ना
यहाँ से लेना है कंट्रोलर से, ठीक है, ये देखें ये नेगेटिव कंट्रोलर से आ रहा है। इसी तरह उसके बाद है क्रैंक, स्टार्टर मोटर की सप्लाई, वो भी हमने यहाँ से लेके डायरेक्ट इसमें लगा देनी है, ठीक है। तीसरा है प्री हीट, प्री हीटर जो इंजन स्टार्ट करने से पहले हम उसको हीट करते हैं, ठंडे इलाकों में लगाते हैं ये, ताकि स्टार्टिंग ईजीली हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी तीन रिले लग जाएंगी इसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन रिलेज में से कैसे आउटपुट निकलेगी ये भी आप देख सकते हो। ये देखो ये रिले के अंदर इन्होंने एक और फ्यूज दिया, ठीक है, पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव का अलग से फ्यूज निकाल के इन्होंने दोनों के अंदर पॉजिटिव दे दी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव निकाली और डायरेक्ट फ्यूल सोलेनाइड के अंदर दे दी, जो भी हमारा फ्यूल का स्विच होगा उसके अंदर हम दे देंगे। इसी तरह डायरेक्ट यहाँ से स्टार्टर सोलेनाइड में दे दी हमने, ठीक है। तो ये हमारा इंजन अब फ्यूल ऑन करेगा और क्रैंक करेगा और स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें प्री हीटर भी लगाना है तो प्री हीटर के लिए फिर हम यहाँ से उसकी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद यही देखें इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं हम। ये पॉजिटिव सप्लाई जा रही है इधर, ठीक है, और ये पॉजिटिव डायरेक्ट जो है चार्ज अल्टरनेटर में लग गई। ये नॉर्मली बी पॉजिटिव का टर्मिनल होता है, बी पॉजिटिव, ठीक है, और एक तरफ से हमने इसको डायरेक्ट नेगेटिव लगा दी, ठीक है। और उसके बाद जो सेंसिंग की केबल है वो ये है WL, और वो कहाँ जा रही है, नंबर 7 पे, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये तो हो गए सारे अभी तक हमारे आउटपुट्स की बात जो चल रही थी वो हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं मजीद। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल प्रेशर और यहाँ लिखा हुआ है कूलेंट टेम्परेचर। तो इसको हमने क्या करना है, ये हमारी नेगेटिव सप्लाई चल रही नीचे देख रहे हैं आप, ये यहाँ से पूरी नेगेटिव आ रही है, ठीक है, ये पूरी नेगेटिव है। क्या करेंगे, पूरा हमारा इंजन जो हमने ग्राउंड किया था उसकी वजह से हम सेंसर लगाएंगे इंजन के ऊपर उसके थ्रेड के जरिए, तो वो भी ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ऑयल प्रेशर सेंसर नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ स्विच लगेगा, ठीक है। स्विच जो है ऑयल प्रेशर को वो नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है, वो आपने लगा देना और उसकी वायर 8 नंबर टर्मिनल पे आपने दे देनी है, ठीक है। उसके बाद कूलेंट टेम्परेचर नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है, और उसके ऊपर भी आपने ये 9 नंबर पे ले आना है, ठीक है। उसके बाद जी नंबर 6, ये देखें ये नंबर 6 यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है ऑक्सिलरी इनपुट ऑन मैनुअल स्टार्ट और रिमोट स्टार्ट ऑन ऑटो मोड। इसको आप दो इनपुट, मतलब ये कन्फिगरेबल है, आप इसको लैपटॉप से प्रोग्राम भी कर सकते हैं या आप इसको रिमोट स्टार्ट भी कर सकते हैं और मैनुअल स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, रिमोट लोकेशन से। तो ये भी एक नॉर्मली ओपन स्विच से आपका लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा उसके बाद अब बाकी रह गया हमारे जनरेटर की सप्लाई का। अच्छा अब इसमें जो नए मॉड्यूल आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन है, 10 और 11 नंबर पे आपने लाइन 1 एक फेज लगाना है और एक न्यूट्रल लगाना है, ठीक है। ये हमारे जनरेटर वोल्ट है, ठीक है, ये देखें ये जनरेटर की सप्लाई आ रही है, देखें लिखा हुआ है ना फ्रॉम जनरेटर, तो ये जनरेटर से आ रही है और ये इसका एक न्यूट्रल है, ये देखें ये न्यूट्रल है यहाँ पे, ठीक है, और ये फेज है, फेज पे इन्होंने एक फ्यूज भी लगा दिया है, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसकी जगह MPU के कनेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें MPU के कनेक्शन करने में ख्याल करना है कि आपने जो उसकी शील्ड की केबल होती है ना बाहर की, वो नहीं लगानी, ठीक है। अच्छा इसके बारे में एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये देखेंगे जो 2 स्टैरिक के निशान बने हुए थे ना उसमें लिखा हुआ है कनेक्ट इधर MPU और AC वोल्ट फॉर स्पीड रेफरेंस। तो आप इसमें ये जो मैंने बताया ना आपको, ये लाइन 1 और न्यूट्रल, इसमें 10 11 में MPU की सप्लाई भी दे सकते हैं और जनरेटर के 220 वोल्ट भी दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल और इजी ड्राइंग है इस पैनल की, ठीक है, और बाकी मैंने आपको डिटेल बता दी है। तो अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मज़ीद इस पर फिर बात कर लेंगे हम लोग। तो आज के लिए शुक्रिया, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।